नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पार्ट साल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही शानदार लोकेशन पे हूँ, आप सभी को भी ये बड़ा लुभावना लगेगा। मुझे लग रहा है शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी बातों का ना सुन के ये पीछे का जो दृश्य है ये आप लोग देखो, और मैं चाहूँगा कि इस टॉक के बाद आप ज़रूर यहाँ आके विजिट करेंगे, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ तो यहीं का, लेकिन कभी आने का समय नहीं मिला। आज रिपोर्टिंग के दौरान बाजू में ही सेंटर था, एक जगह गया हुआ था तो बगल में था, मैं कहा चलो यहीं पे थोड़ा घूम लिया जाए। बड़ा सही, एक BHU से ही हैं छात्र पढ़े हुए, ये मिल गए तो मैं कहा इनसे बातें हो जाए। क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। निखिल कुमार जी से बात हो रहा है, आप BHU से पढ़ाई की अभी? हाँ, मैं BHU का तृतीय वर्ष का छात्र, BHU के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और ऑलमोस्ट इनका 6th सेमेस्टर होने वाला होगा मुझे लग रहा है। नहीं, 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो चुका है, मतलब एग्जाम उसके होने वाले होंगे आने वाले समय में। तो आज आपका किस सब्जेक्ट का पेपर था? हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पेपर था, कैसा गया पेपर आपको? अच्छा गया। CUET PG हिस्ट्री का पेपर था और इनका पेपर अच्छा गया, मतलब ये अच्छा। बस ऐसी जनरली जैसे आप पूछते हैं कैसे हो भाई, अच्छा है ये वाला, या फिर अच्छा सच में अच्छा? नहीं, अगर देखा जाए तो 100% में से 60-70% तक अच्छा रहा। अच्छा, लगभग 70% का कहना है कि पेपर अच्छा गया। अच्छा, कितने क्वेश्चन आए थे? 75 ओनली डोमन, वो हट गया क्या? GT? हाँ, मतलब नहीं आता है। नहीं, कैसा गया वो अच्छा हुआ हटा तो? अच्छा लगा है, बुरा लगा? नहीं, ठीक रहा कि आगे हमें जिस सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करनी है और उसी को लेके तैयारी करनी है, तो काफी अच्छा रहा कि हमको और अदर जैसे जिस चीज की पढ़ाई नहीं करनी है तो हम क्यों उसको क्यों है? मतलब ये मैक्सिमम बच्चों का रिव्यू कॉमन मिला है मुझे कि भाई GT एप्टीट्यूड हटा के अच्छा ही किया, क्यों ही एप्टीट्यूड पढ़े जब ऑलरेडी हमारा डोमेन से ही हमारा लेना देना है, तो आगे करियर क्या है, एम क्या है? नहीं, मेरा BA कंप्लीट हो गया, मुझे तैयारी करनी है। मतलब मास्टर्स में जाने वाले नहीं हो? नहीं, मास्टर नहीं करना, मतलब एग्जाम दिया लेकिन इनको मास्टर में नहीं जाना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका निकल जाएगा। PHU वालों का निकल जाता है जनरली, मैं जितने लोग की रिपोर्टिंग करता हूँ बाद में पता चलता है कैंपस में मिल ही जाते हैं मुझे, वो बात अलग है कि आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो एम UPSC है? हाँ, UPSC। तो कहाँ से तैयारी करोगे UPSC का, इधर आसपास से या फिर जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो। बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, UPSC की तैयारी करने जा रहे हैं, और आई थिंक आप हिस्ट्री ही ऑप्शनल हो गए अपना? हिस्ट्री ऑप्शनल है। ओवरऑल आने वाले जो बच्चे हैं उनको CUET के प्रिपरेशन के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जो भी आने वाले छात्र हैं जो CUET की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, पहले आप जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे प्राचीन इतिहास के लिए आर्य शर्मा हुई, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा हुई, और आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा हुई, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो उनमें फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका CUET PG आराम से क्लियर होगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग लास्ट ईयर से यानी जब थर्ड ईयर में आते हैं तब से हम लोग अगर नेट जे आर एफ के लेवल की पढ़ाई करने लगे तो CUET तो निकल ही जाएगा? हाँ। या नेट जे आर एफ बहुत ज्यादा हो जाएगा? नेट जे आर एफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा नॉर्मल स्टडी रखा। मतलब अगर हम लोग बस अपने सिलेबस को देखें तो क्या हाल है, मतलब मैं बस 6th सेमेस्टर तक के पूरे सिलेबस को देखूं, अच्छा सिलेबस है PHU का और उतने से काम चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस में क्या है कुछ कुछ टॉपिक नहीं है, अच्छा फिर आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा जो आपके CUET PG के सिलेबस में। मैं समझ गया। अच्छा, एक बात बताइए, BHU में पढ़ के कैसा लगा फाइनली अभी तक? अच्छा लगा। अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। BHU में लोगों को आना चाहिए पढ़ने के लिए? हाँ, आना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है JNU, DU, BHU, क्या चूज करोगे? मैं JNU चूज करूँ। अरे BHU अच्छा है तो JNU क्यों चूज करोगे भाई? नहीं, अगर मास्टर की अगर जैसे अगर देखा जाए तो अगर मास्टर करना है तो आपको JNU को प्रेफरेंस रखूंगा। अच्छा, JNU मतलब कुछ उसके चीजें होंगी ना, क्यों JNU क्यों चूज करोगे? JNU वहाँ का जैसे मैंने सुना है कि वहाँ का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है BHU की अपेक्षा देखा जाए। अच्छा, हाँ मतलब ये तो है ही, अपने आप में वो तो नाम ही है। बैचलर करना है तो आप BHU से कर सकते हैं, क्योंकि JNU में केवल फॉरेन लैंग्वेज लैंग्वेज है। कहने का मतलब है कि UG करना है तो BHU, PG करना है तो JNU चले जाओ। अच्छा, BHU का सबसे अच्छा प्लेस कौन सा लगा आपको पूरे 3 साल के? मुझे BHU की लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी। लाइब्रेरी बहुत अच्छा लगा। और सेकंड नंबर पे विश्वनाथ टेम्पल BT। मतलब एक दिल है एक उसका धड़कन है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पाठशाला चैनल के बारे में जानते हो थोड़ा? कैसा लगा, मतलब कैसा है चैनल? जब मैं BHU के CUET UG की तैयारी करता था तो काफी मदद की मेरी और समय पे जानकारी मिल जाती थी, और जब रिजल्ट की जानकारी अगर देखा जाए तो सबसे पहले मुझे BHU पाठशाला की तरफ से मिली थी। इसीलिए मुस्कुराता चेहरा मुझे कैंपस में कई बार मिल गया। बहुत अच्छा लगा मिलके, हम लोगों ने बड़ा ही एक हेल्दी कन्वर्सेशन किया और इस शानदार प्लेस पे गया। कैसा लगा आपका ये प्लेस? अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ। वाह, कितनी अच्छी बात है ना।
रिपोर्टर एंड जो यहाँ पे हमारे साथ इंटरव्यूअर इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं और जो इंटरव्यूअर है, दोनों पहली बार विजिट किया हुआ है। बहुत ही मेरे लिए बहुत शानदार प्लेस है। इवन मतलब मेरा मन हो रहा है कि एक बार मैं पूरे VCW की जो छात्राएं हैं, मतलब पास में ही है इसलिए मैं VCW का नाम ले रहा हूँ अन्यथा ना ले लो, तो इनके साथ मैं यहाँ पे एक मीटअप करूँ और पूरे लोग यहाँ पे मिलके ढेर सारी बातें करें और ये गंगा नदी को देखें। वाराणसी कैसा लगता है? बनारस अच्छा लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आता रहूँगा बनारस। भाई एक बात बताना चाहूँगा मैं, भाई ने अभी UPSC की प्रिपरेशन के लिए सोचा है या पहले से कर रहे होंगे, जाने के लिए सोचे हुए, लेकिन अभी जो बैठने का पोस्चर है, सच बता रहा हूँ, और बोलने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो UPSC से मिलता जुलता है। ये बात मानते हो? मतलब आप लोग पीछे बताना मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सच बता रहा हूँ, और ये एक टाइप ऑफ कम्प्लीमेंट है। मैं चाहूँगा कि अगर इस एम के साथ जा रहे हो कि UPSC निकालना है तो निकाल के आओ। BHU में मैं चाहूँगा कि BHU का नाम UPSC वाले रैंक में आए। नेट के लिए तो बहुत आता है, टीचिंग के लिए बहुत आता है, ये मानते हो ना? UPSC हाँ, के लिए बहुत कम आता है। हाँ, तो उसमें लाना है। चार पाँच तीन साल का ढाई दो साल का अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसको फिक्स करो और अच्छे से पढ़ो। बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच। कौन से, क्या नाम है? निखिल जी, बहुत बढ़िया लगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि CUT में हिस्ट्री वगैरह में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, बंद कर दो।